तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरे साथ जा रहे हैं दीपिका और आज हम जा रहे हैं दोस्तों बरशैनी। यस दोस्तों, मेरी जो फ्रेंड है भावना, वो काफ़ी ज़िद कर रही थी कि ममता प्लीज़ आओ, क्योंकि वहाँ है फंक्शन। तो अभी हम बस का वेट। दोस्तों फाइनली हमारी बस आ चुकी है और अभी हम जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसोल। अभी तो अभी बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं हम अपना बरशैनी। तो दोस्तों अभी तो बहुत टाइम लगेगा ऐसा बोल रहे हैं, तो चलिए। तो फाइनली अभी जाके हम पहुंच चुके हैं बरशैनी में। तो अभी हम अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। And get a shit out. तो दोस्तों ये मिली आप सभी से, ये है भावना की फैमिली, बहुत ही प्यारी फैमिली। और ये दादी जी है। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, तो अभी ये गरम रोटी हो रही है जो खाना खाने वाले बचे हुए हैं। तो अभी हम आग सेक रहे हैं, उसके बाद हम सीधा सो जाएंगे। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अभी बजे है सुबह के अप्रॉक्स अपना 6 बज गए हैं। वैसे हम लोग सुबह ही उठे हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है। ये देखिए पूरा बर्फ से लदा हुआ है। तो आपने तो दोस्तों जो फंक्शन है आज, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और साथ में व्यू देखिए दोस्तों, इतना प्यारा मौसम था ना, ऊपर से सामने बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई पहाड़, देखिए ताज़ा ताज़ा स्नो पड़ी है अभी अभी। तो काम हो गया है स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मिलाती हूँ छोटी छोटी भेंट से। गंदी दूध लगी भाई, ये पूनम है। हाय पूनम। और पूनम जी फूल तोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चलो दोस्तों मैं भी फटाफट फूल तोड़ती हूँ, फिर जल्दी होगा। हमें ये बैग पूरा भरना है क्योंकि माला बनानी है देवताओं के लिए। तो चलिए अगर मैं आपको यहाँ से हल्का सा व्यू दिखाऊँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का लगता है व्यू, देख सकते हो आप। और साथ में पहाड़, अभी पता नहीं आपको ढंग से दिख पा रहा होगा कि नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अभी तो बट मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए बर्फ अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही पड़ी है, ताज़ा ताज़ा बर्फ़ है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है व्यू। तो आप फूल देख सकते हो यहाँ पर, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम प्यारी प्यारी बगिया से फूल तोड़ रहे हैं।
क्योंकि ये फूल हार बनाने के काम भी आएंगी, और जो यहाँ पर अभी मेहमान आए भी फूल बहुत ज़रूरी फूल है, इसीलिए तोड़ रहे हैं। और इतने प्यारे फूल है ना कि मन ही नहीं कर रहा दोस्तों इनको तोड़ने का, कि मतलब बहुत प्यारे फूल हैं। इस तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको कैसे लगे ये फूल। आप देख सकते हो साइड भी होते होंगे ये फूल, जो हिमाचली है उनके वहाँ तो होते ही होंगे मैक्सिमम सभी लोगों के घर। फटाफट करते हैं अपना काम, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, वरना आंटी जी बोलगी कहाँ चले गए। फूलों को हम दोनों को जिम्मा दिया है अभी फूल तोड़ने का, तो हम फटाफट करते हैं अपना काम, तब तक मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अभी फूल याद बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि सुबह से काम चला था ये वो सो, और अभी हम कुछ देर के बाद और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे सीधा ही, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पर, अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देंगे अपना। तो मैं हूँ और मेरे फ्रेंड है और उनकी बड़ी सिस्टर है, हम तीनों खाएंगे नॉन वेज वाली रसोई में खाना, और जो बाकी दूसरे फ्रेंड है वो चले गए हैं वेज में खाना खाने। तो अभी हम बस वेट कर रहे हैं, गेट जैसे उठती है वैसे ही हम खाना खाएंगे, तो उसके बाद हम तैयार होंगे। आप शक्ल देख सकते हो दोस्तों कैसी हो गई शक्ल वगैरह, तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम पूरे प्रॉपर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि काम मेरा तो बस अब अभी ही काम है, अपने आपको तैयार करना यही काम है। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, करते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात। तो दोस्तों खाना खाने में बैठ चुके हैं नॉन वेज वाली गेट में, क्योंकि हम नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट खाते हैं, देन मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। दोस्तों आपने देखा होगा कि पूनम को टोपी पहनाई गई, तो चलिए दोस्तों व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, कुछ यहाँ से भी दिखता है अमेजिंग, और थोड़ा सा अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का लग रहा है सामने से भी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं आपको आंटी जी से मिलाती हूँ, आंटी जी भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए अभी सभी वैसे फाइनली तैयार हो रहे हैं, बट एक बार मैं मिलाती हूँ। अब जी कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। हेलो आंटी जी, क्या बोला? हेलो हेलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा कब तक आएंगे देवता वगैरह? आएंगे 3-4 बजे। 3-4 बजे तक रेडी हो गए आप? वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताना हमारे आंटी जी कैसे लग रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा जो हमारा कुल भी वेशभूषा पहनी है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। आंटी जी पीछे मुड़ो जरा, ये देख सकते हो। अभी आंटी जी ने बस अपना जो धाटू होता है वो लगाना है, बाकी तो पूरे प्रॉपर तैयार है आंटी जी, ये देखिए। ओके आंटी जी बाय। आओ ये हमारे अंकल जी। हेलो अंकल जी। अंकल जी अभी तैयार नहीं हुए पूरे प्रॉपर, और आंटी जी तो पूरी कमाल के लग रहे हैं, आप देख सकते हो। आजा हीरोइनी। बिल्कुल सही बात, हीरोइनी से हीरोइन से कम नहीं लग रहे सही में। तो अभी अंकल जी तैयार होंगे, बाकी चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे, और कमेंट करके जरूर बताना आप सब कैसे लग रही है अंकल आंटी। बाय अंकल।
ये देख सकते हो यहाँ पर भविज है, हेलो भवी, यहाँ पर यूबीज यूबीज ममताज। तो अभी तैयार हो रहे हैं, तो अभी फटाफट बस थोड़ा ही होना है, बस बाल के लिए कंघी करने बाकी हो गया। फिर पूरे परेशान होके बैठे हैं इस टाइम, परेशान कैसे नजर आ रहा। तो अभी हो रहा है देवता का वेट, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा जा रहा था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।